आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुगल रोड जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है जो खिता पीर पंजाल को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है, वो सड़क हर साल की तरह जिस तरह जो है रजौरी पहुंच के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, इस बार भी इतना अरसा हो गया था, रोड क्लियर थी मगर रोड जानबूझ के बंद रखी हुई थी और पेशेंट्स जो यहाँ से कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स हैं जो स्किम सोरा में जाके ट्रीटमेंट लेते थे, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स कई कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स के अलावा जो है एम्प्लाइज़ हैं जिनको जो हमारे यहाँ के एम्प्लाइज़ जो हैं श्रीनगर में हैं या वहाँ कश्मीर के एम्प्लाइज़ यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनको और प्लस ट्रेडर्स को और फिर जो माइग्रेटी हमारे ट्राइबल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं अपर रिचीज में, इन सारे लोगों को जो है इतनी बड़ी परेशानी हो रही थी और कई दिनों से पूरे खिता पीर पंजाल के लोग सरकार को गुहार लगा रहे हैं। हमने भी हायर अथॉरिटीज़ से मिले, हमने कई दिनों जो है वो मीडिया में भी सबने आवाज़ उठाई पूरे खिता पीर पंजाल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मगर सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। और मैं समझता हूँ कि ये खिता पीर पंजाल के साथ सरकार का जो रवैया है ये जानवरों वाला सलूक था। हमें तो ऐसा लगता था कि हमें सरकार जो है वो खिता पीर पंजाल के लोगों को इंसान ही नहीं समझती है कि इनको बेसिक ह्यूमन राइट्स की कोई फैसिलिटी देनी नहीं है और हमारे यहाँ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके के सबको मालूम है, तो हम यहाँ से जो है श्रीनगर जाके ट्रीटमेंट के लिए जा सकते थे। खासतौर गुजर बकरवाल लोग इस वक्त पॉपुलेशन जो है वो मूव करती है, अपर रीचेज में लोग मूव करते हैं और उनको कितनी बड़ी परेशानी है। दो दिनों से जो है छोटे छोटे बच्चे लेके जो है बेचारे गरीब लोग वो सिसक बिलक रहे थे, रो रहे थे सड़कों पर, मगर उनको जाने की सरकार इजाज़त नहीं दे रही थी। इसी सिलसिले में क्योंकि पिछले साल भी जो है मुगल रोड नहीं खोली जा रही थी, हम दो लोगों को डीडीसी मेंबर्स को यहाँ धरना करना पड़ा डीसी ऑफिस पहुँच के बाद, उसके बाद जाके खुली थी। हम आज डीसी साहब को डीसी पहुँच को मिले थे और उनसे, क्योंकि इससे पहले तो हायर अथॉरिटी से बात हुई थी मगर आज जो है डीसी पहुँच को हमने डीसी साहब को ये चिट्ठी भी दी थी और इस चिट्ठी में हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर सड़क नहीं खोली गई तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट पहुँच में मास प्रोटेस्ट पे जाएंगे, लोगों को पब्लिक को कॉल देंगे और हम सड़कों पर आएंगे। मगर खुशी की बात है कि अभी मैसेज मिला है, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज मिला है डिवकम साहब की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हम रोड जो है वो कल खोल रहे हैं, ये खुशी की बात है। अगर कल सड़क खोल देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं खोलते तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है बल्कि पूरे खिता पीर पंजाल में जो है सड़कों पर आएंगे। और मैं सरकार को आगे के लिए भी ये वार्न करता हूँ कि जिस तरह का रवैया आप खिता पीर पंजाल के लोगों के साथ है, अगर इस तरह का आप दोबारा करेंगे तो पूरा खिता पीर पंजाल सड़कों पर आएगा।